कैसे ये लोग ठगी करते थे, क्या है पूरा मामला? एक सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी, कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि ऐप्स हैं जो डिफरेंट छोटे किस्म के लोन देते हैं 5,000-10,000 के, जिसमें कि लोग जो है वो आसानी से लोन ले लेते हैं, उन ऐप्स के माध्यम से कुछ लोग ठगी कर रहे हैं। इस पे ACP 2 द्वारा जो है वो जब जांच की गई तो 3 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया। इनके कब्जे से 3 लैपटॉप और 8 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। जब इनको सर्च किया गया मोबाइल फ़ोन्स को और लैपटॉप्स को, तो इसमें काफ़ी ऐसा डाटा मिला है। ये क्या करते थे कि बहुत सारे जो है वो बैंक्स का डाटा लेकर के, और जो डिफ़ॉल्टर हो जाते थे छोटे लोन्स में, जो डिफ़ॉल्टर हो जाते थे 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 वाले लोन्स में, उसमें ये व्हाट्सएप पे उसको मैसेज करते थे। और इसके अलावा जो है पॉन साइट्स की लिंक्स भी भेजते थे और उसको कहते थे कि अगर लोन नहीं दिया तो आपका जो है वो वीडियो एडिट करके और हम इसको एस्टेब्लिश कर देंगे, कहीं जो है वो पोस्ट कर देंगे सोशल मीडिया साइट पे, आपके कॉन्टैक्ट्स में भेज देंगे। इससे लोगों को डरा धमका करके ये जो भी पैसा उससे मिल पाए 5,000-10,000 वो वसूल करते थे। इस तरह की काफ़ी घटनाएं इन्होंने की हैं। और इसमें एक दूसरा इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये एयरलाइंस में जो है वो सिक्योरिटी और ग्राउंड स्टाफ के नाम पे जो है लोगों को ऑनलाइन जो है चीट करते थे, उनको बताते थे आपकी नौकरी लगवाएंगे और उसके बाद जो है उनसे 20,000-25,000 जो भी पैसा मिल जाता था वो पैसा डलवा लेते थे और नंबर ब्लॉक कर देते थे। तो इस तरह से जो है वो ये ठगी करते थे। इसमें 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, अभी इनका एक और साथी है राजू जो फरार है, उसको भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा। सर कितने लोग सभी ठगी कर चुके हैं? अभी ये डाटा एनालाइज कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोग जो है वो निकल के आ रहे हैं, उनसे कांटेक्ट किया जाएगा। चूंकि अमाउंट बहुत पेटी बहुत छोटा होता था 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, इसलिए लोग शायद शिकायत भी नहीं करते थे। हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। इनका ऑफिस कहाँ है और कितने दिन से ये काम कर रहे हैं? ये सेक्टर 16 में बताया जा रहा है कि वहाँ पे ये लड़के काम करते थे और ये 2 साल से जो है काम करते। कोई आपराधिक इतिहास उनका पहले का? अभी तो कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं। क्या कोई बैंक कर्मी भी इसमें? अब उस एंगल पर हम जाँच कर रहे हैं कि डाटा इनको कहाँ से प्रोवाइड होता था, राजू के मिलने पर ये चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू। सूचना प्राप्त हुई कि एक कंप्लेनेंट से कि ये नौकरी दिलवाने के नाम पे लोगों ने हमसे पैसे दिए थे और फिर हमें पैसे फ्रॉड करने के लिए कोई नौकरी नहीं दिलवाई। सूचना पे फिर हम लोग वहाँ पहुँचे। सर इसमें तो कोई सरकारी अधिकारी? सभी एंगलों पे जांच की जा रही है, अभी तक नहीं प्रकाश में आया। सर बताइए कंटिन्यू। दूसरा मामला चल रहा है। तो ये वहाँ पाया गया, ये छोटा सा, ये लोग 2 लोग बैठे हुए थे, इनके पास लैपटॉप और मोबाइल थे। फिर हमने सब डाटा इनका सर्च करना चालू किया तो ये पता चला कि इनके व्हाट्सएप पे जो सूचनाएं थी लोग, ये जो आपने छोटे छोटे ऐप जानते होंगे, लोन मिलता है आजकल 2,000-2,500 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये भी आप लोन ले सकते हैं। हाँ, कैश वैलेट, डुअल कैश, इसका डाटा इनको प्रोवाइड किया जाता था। इसमें एक अभियुक्त है जो इसका डाटा इनको प्रोवाइड कराता था, जो डिफॉल्टर हो गए। अच्छा, सिविल खराब, ये ऑनलाइन 3,000 रुपये लिए, 10,000 रुपये नहीं भरे, डिफॉल्टर हो गए, उनकी सूचना इनके उनके नंबर रहते थे, ये उसमें उनको फ़ोन से थ्रेट करते थे और बायदा एक मैसेज बनता था कि आपने ये ऐप लिया है, इससे लोन लिया है, इस डेट को आप डिफॉल्टर हो गए, आप जल्दी ये अपना जितना भी लोन है विथ इंटरेस्ट इसको वापस करें, वरना आपकी फ़ोन वीडियो बना के आपकी कॉन्टैक्ट में लीक कर दी जाएगी। और नीचे लोग क्या करते थे, जो बहुत सी फोन साइटें हैं उसका एक लिंक दे देते थे, तो जैसे ही बंदा जाएगा उस पर क्लिक करेगा तो कौन साइट खुल जाती है, तो डर जाता है कि हम इसमें इसको एडिट कर देंगे आपका। अच्छा, और आपका हाँ ब्लैकमेल कर। और नीचे बहुत सी पॉन साइट है, एक्स वीडियो थी उसमें लिख करता, पॉन साइट खुल गई, तो वो लोग डर जाते थे और तुरंत इनको पैसा जो नहीं देना वो भी दे देते, ब्लैकमेल। दूसरा मूल राशि से दूसरा डिमांड करते, हाँ, एयरपोर्ट पर नौकरी दिलवाने के नाम पर, अलग अलग एयरलाइंस में एयरपोर्ट पर नौकरी दिलवाने के नाम पर, और इनसे जो जैसा मिल जाए सामने वाले को देखते हुए, डिमांड तो 25-30 हज़ार से स्टार्ट करते थे, तो 5-10 हज़ार तक जो आ जाए उससे लेके उसको एक फेक लेटर दे दिया, ये करके प्रोवाइड करा के अकाउंट्स में। इसमें एक अकाउंट एस्टेब्लिश करने वाला आदमी अलग है, इनको डाटा प्रोवाइड करने वाला आदमी अलग है, जो यहाँ पे ये लोग बैठ के कर रहे थे ये लोग अलग। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें? 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कहाँ इनका ऑफिस कहाँ है? ये फेज़ 1 में था। 16 में। कब से सर कर रहे हैं ये कुछ? अब ये तो बता रहे हैं 2 साल से, जो हमने डाटा चेक किया उसमें हमको 2 साल तक अभी तक ठगी कर चुके हैं। हजार मान लो 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 हो गया होगा। हमने इनसे पूछा, जो डाटा हमने देखा उसमें काफी इनका रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, तो ऑन एवरेज 1,000 नौकरी के नाम से भी इतने पैसे लेते थे, नौकरी ज्यादा, जैसा आदमी हो, जैसे हमने वाला कि 30-40 से चालू किया, बाद में जितने में सेटलमेंट हो गया, अब सामने वाला गरीब है 5-10 में हो गया, किसी को ज्यादा जरूरत है 20 पे एडजस्ट हो गया, किसी ने 30 के 30 दे दिए। वो डाटा जो देता था वो मतलब कहाँ का, मतलब कैसे? कोई राजू था उसको, राजू है
जैसे आपने मैसेज दिया ना नीचे लिंक दे दिया, बैठ के करनी पड़ेगी, ब्लैकमेल करना लिंक भेज देना।